ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और किसान। सुधाकर, आपको जैसा कि हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बलरामपुर में मौजूद हैं और इस पूरी सरयू परियोजना का एक मॉडल बना हुआ है जिसका वे निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरीके से ये परियोजना लागू होगी, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, उसका निरीक्षण और परीक्षण इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री भी मौजूद हैं। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल सकता है, तस्वीर बदल सकती है। सुधाकर, जी बिल्कुल, देखिए, और हम राप्ती बैराज हो वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं। राप्ती एक बड़ी नदी है और देखिए अतीत में इस नदी का जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। और हम जानते हैं कि पीएम मोदी ना सिर्फ जो एक तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं, बल्कि बहुत बारीकी से निगरानी निरीक्षण भी करते हैं। तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं इस परियोजना को लेकर, वो किस तरह से आगे बढ़ी है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। सुधाकर, निश्चित तौर आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उस परियोजना के मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं, जब सरयू परियोजना लागू होगी किस तरीके से परियोजना पूरे क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, कैसे उसका फायदा मिलेगा, किस तरीके से तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रधानमंत्री उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण परियोजना है ये जिसका अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को इसमें आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। किसान इस क्षेत्र के जो है अब वो अपनी कृषि क्षमता को बढ़ा पाएंगे इस परियोजना के कारण। 1978 में इस परियोजना का काम शुरू हुआ था लेकिन इसके बाद अव्यवस्थाओं के कारण, निरंतरता नहीं रहने के कारण ये परियोजना लगातार लटकती गई, अटकती गई और पिछले 4 वर्षों में ही इच्छा शक्ति के कारण कहें या फिर विकास को जोड़ने की एक जिद है प्रधानमंत्री की, उत्तर प्रदेश का चेहरा बदलने की जिद है और उसी जिद ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने